सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 9 बी हाइव के आंसर्स बताने वाला हूँ। चैप्टर है हमारा 2, साउंड ऑफ म्यूजिक। तो पहला जो ये क्वेश्चंस है हमारे पेज नंबर 20 के है, आप देख लेना क्वेश्चंस क्या है। पहले हमारा क्वेश्चन है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस, कम शब्दों में आंसर देना है इनके। सो हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन वैन शी वैन टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, कितने साल की थी एवलिन जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ स्कूल गई थी, मैथ म्यूजिक गई थी। एंड सो इसका आंसर है एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। फाइन, सो आप इसमें ये लिख सकते। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, यानी कि जो वो बहरी थी, मतलब डेफनेस थी, उसे उसकी डेफनेस कब नोटिस की गई थी, एंड व्हेन वाज इट कंफर्म, और इसे कब कंफर्म किया गया था। सो हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, तो यानी कि जब वो 8 साल की थी तब पता चला था कि वो डेफ डेफ है, एंड बट इट वाज कंफर्म व्हेन शी वाज 11, लेकिन 11 साल की उम्र में ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो डेफ है, डेफ यानी कि बहरी है। फिर आता है क्वेश्चंस हमारे 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, यानी कि उसकी हेल्प किसने की थी म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करने में। सो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर आईज ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कि उसने दो लार्ज ड्रम से एक नोट क्रिएट किया और उसमें बताया, उसने बोला कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसके बजाय आप दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो। और इसमें सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, सो कौन से जगहों पर और किस कारणों से एवलिन ने परफॉर्म किया। सो एवलिन परफॉर्म्स एट रेगुलर कॉन्सर्ट एंड शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, तो उसने जेल में और हॉस्पिटल में भी परफॉर्मेंस दिया था, वो भी फ्री में। शी ऑल्सो गिव हर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर अ यंग म्यूजिशियन, यानी कि वो छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाना ज़्यादा पसंद करती थी और ज़्यादा उस पर जोर देती थी, हाई प्रायोरिटीज यानी कि। एंड फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हमें देना है 100 से 150 वर्ड्स में। सो हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक, यानी कि एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी आप, क्योंकि भाई गाना गा रही है या म्यूजिक जो भी कर रही है वो, तो उसके लिए थोड़ा सुनना भी तो पड़ेगा कि उसे पता क्या चलेगा कि वो कैसे गा रही है। सो एवलिन हेयर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ओके, तो जो म्यूजिक के जो नोट्स होते थे उसे सेंस करती थी वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। रोन फॉक्स हर ट्रेनर टर्न्स टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क हर नॉट टू लिसन इट थ्रू ईयर्स, क्या है, नॉट टू लिसन थ्रू इट ईयर्स बट सेंस इट इन अ सम अदर वे। सो उसने क्या किया, तो उसने जो रोन फॉप्स था उसका ट्रेनर था, उसने उसके जो दो ड्रम्स थे, ईयर ड्रम्स होते हैं, उसे डिफरेंट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसने बोला कि अपने कानों के बजाय किसी और चीज़ से सेंस करने की कोशिश करो, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करो। शी देन शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, ओके, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कि उसने सेंस करना कैसे स्टार्ट करा, हायर ड्रम को उसने सेंस किया वेस्ट अप से, वेस्ट जानते हो वेस्ट होती है हमारी कमर की, एंड लोअर ड्रम को उसने किया वेस्ट डाउन से। सो शी लर्न्स हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू द म्यूजिक एंड वाइब्रेशन, तो उससे जाना कि वो अपनी बॉडी को यानी कि अपने
जरूरी नहीं है कि कान से ही सुना जा सकता है। तो उसने म्यूजिक को अपनी बॉडी से सुनना स्टार्ट किया एंड रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज विद द फॉब्स एल्विन स्टार्ट डिस्कवरिंग दैट शी कैन सेंस सर्टेन नॉट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि उसने जाना स्टार्ट किया कि वो अब म्यूजिक को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से भी सेंस कर सकती है। व्हेन शी प्लेज अ ज़ाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वो ज़ाइलोफोन के जो साउंड है अब वो उसे कहाँ से सेंस कर रही है, फिंगर टिप्स से सेंस कर रही है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब उसने क्या करा कि अब उसने ड्रम्स ईयर ड्रम्स पे डिपेंड होने के बजाय उसने अब अपने बॉडी में जो साउंड होता है उसे फील करना शुरू कर दिया। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स एंड शी सेज द म्यूजिक पोर हिम थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो क्योंकि गाइज म्यूजिक क्या होता है, हमारा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। सो उसने क्या करा, अपने पैर से शूज हटा दिए, पैर शूज निकाल दिए और उसे नंगे पैर खड़ी हो गई और जो वाइब्रेशन था म्यूजिक का वाइब्रेशन था उसे फील करना शुरू करा उसने एक वुडन फ्लोर प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अब जब हम कोई म्यूजिक बजाएंगे तो जो आसपास की चीज़ें होती है वो हल्की सी वाइब्रेशन होती है, उन वाइब्रेशन को उसने नंगे पैरों से एंड पैरों से फील करना स्टार्ट किया और जो म्यूजिक था उसकी बॉडी में पूरी तरह से समा गया। एंड इट टिंगल्स इन द स्किन और चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। यानी कि जो म्यूजिक का वाइब्रेशन था उसने उसकी स्किन, उसके चीक बोन्स एंड उसके बालों को भी टिंगल यानी कि वाइब्रेट कर दिया, लाइक सो शी कैन सेंस दिस म्यूजिक। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चंस एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। सो व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। तो औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन कर दिया, पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है, पुंगी औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैज़ अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। यानी कि जो उसकी आवाज़ आती थी वो थोड़ी अजीब आती थी, मतलब सुनने लायक अच्छी आवाज़ नहीं आती थी जिससे कि आपके कानों को आनंद आए, दैट्स व्हाई ही बैंड इट। सो हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। तो जो शहनाई होती है पुंगी से क्यों कैसे डिफरेंट होती है। सो आई नेवर थॉट दैट कि पुंगी कोई इंस्ट्रूमेंट है। वी टेक इट एज अ सरकाज़म लाइक पुंगी बुंकी बजा दो। सो शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एज इट हैज़ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। यानी कि ये हम कह सकते हैं इसे एक अपडेटेड वर्जन है पुंगी का, ठीक है, जिसमें अच्छी टोन्स निकलती है एंड इट इज़ अ नेचुरल होलो स्टीम पाइप दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और ये एक तरह का होलो पाइप होता है जो लंबा भी होता है और चौड़ा भी होता है आगे से। एंड इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और इसमें जैसे कि पुंगी की सेनाई कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, यूँ होती है और इसमें हमारे 7 होल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 नोट्स होते हैं हमारे म्यूजिक में। सो वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस। सो शहनाई कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्ला खान ने इसे कैसे चेंज कर दिया। तो शहनाई वॉज प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स। शहनाई कहाँ, रॉयल कोर्ट्स में प्ले की जाती थी, टेम्पल्स में, वेडिंग में। उस साल बिस्मिल्ला खान चेंज द ट्रेडिशन बाय ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। सो उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने इसका ट्रेडिशन चेंज कर दिया और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्लासिकल स्टेजेस पे। सो व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक। सो यानी कि बिस्मिल्ला खान को सबसे पहली कामयाबी कब मिली, यानी कि पहला ब्रेक कब मिला। सो बिस्मिल्ला खान गॉट हिज ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड द शहनाई ऑन अ रेडियो ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ठीक है, एंड सून ही बिकेम एन ऑफन हर्ड प्लेयर ऑन रेडियो। तो सबसे पहले बिस्मिल्ला खान ने जो शहनाई थी
ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग सेरेमनी पे बजाई थी लखनऊ में, एंड उसके बाद ये उसी का प्लेयर बन गया, मतलब काइंड ऑफ उसका उस्ताद बन गया शनाई का. एंड वेयर डिड द बिस्मिल्ला खान प्ले द शनाई ऑन 15th अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिकल? तो बिस्मिल्ला खान ने शहनाई को 15 अगस्त 1947 में भी बजाई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये हिस्टोरिक इवेंट क्यों है? सो ऑन 15th अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खान प्लेड शहनाई एट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पे बजाई थी. द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दैट डे. क्यों हिस्टोरिकल था? क्योंकि इस दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से. Why did बिस्मिल्ला खान refuse to start the शहनाई school in USA? तो बिस्मिल्ला खान ने शहनाई जो सिखाने का स्कूल था उसे क्यों मना कर दिया स्टार्ट करने से USA में? बिस्मिल्ला खान refuses to start a शहनाई school in USA because he did not want to stay away from the India and he was really fond of बनारस and the river Ganga and दुमराव. So वो इंडिया से बड़ा लगाव था उसे, इसलिए वो देश को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इंडिया को देश छोड़ के नहीं जाना चाहता था. और स्पेशली वो बनारस जो गंगा नदी है और दुमराव जो ये जगह है उससे उसको काफ़ी लगाव था, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था. सो फाइन एट लीस्ट टू इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल्स यू दैट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडियन बनारस. तो ऐसी दो वाक्य बताए जिससे आपको पता चलता है कि बिस्मिल्ला खान इंडिया को बहुत पसंद करता है और बनारस को बहुत पसंद करता है. तो अभी मैंने एक बताया आपको इंसिडेंस, क्योंकि उसने मना कर दिया एक स्कूल शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से अमेरिका में. तो इससे पता चलता है कि उसका कितना प्यार है बनारस के लिए, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस लव ऑफ द बनारस रिवर गंगा एंड दमराव. सो दूसरा इंस्टेंस तब है जब खान साहब वॉज आस्क्ड बाय द शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन. ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस. तो जब शेखर गुप्ता ने जो खान बिस्मिल्ला खान है उससे बोला कि आप पाकिस्तान मूव करने मतलब पाकिस्तान में जाना चाहोगे पार्टीशन के दौरान, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बनारस को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे. ही इज सो फॉन्ड ऑफ बनारस सिटी. सो यू कैन सी एंड सेंस द कि बनारस कितना म्यूजिक से घुला मिला हुआ है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस. सो होप यू लाइक इट गाइज, एंड दैट्स द क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th 2nd chapter द साउंड ऑफ म्यूजिक. एंड सो म्यूजिक को हमें कान से सुनने की जरूरत नहीं है, हम उसे सेंस कर सकते हैं वाई आर बॉडीज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.